तो अपने सामने क्वेश्चन है, 13.5 ग्राम है एसिड का, जिसका मॉलिकुलर मास है 135, इसको डिसॉल्व किया है 10 लीटर में और पूछ रहे हैं पीएच, और ये मानते हुए कि ये जो एसिड हमने लिया है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, ये ऐसे मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने 13.5 ग्राम, इतना हमने क्या ले रखा है, कोई एसिड ले रखा है। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, और इसका मॉलिकुलर मास कितना है, यानी मोलर मास कितना है, 135। ठीक है, इतनी बातें हमें दे रखी हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, पीएच पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पीएच होता क्या है, पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन। ठीक, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन, यानी कि हमें अगर एच प्लस आयन पता चल जाए तो बात बन जाए। अभी एच प्लस आयन किस में चाहिए होता है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। ठीक है, यानी मोलैरिटी हमें चाहिए, सीधा सीधा पूछ रहे हैं। तो देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल्स का, मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन मास बाई मोलर मास और वॉल्यूम। अब यहाँ गिवन मास कितना है भाई, 13.5, और मोलर मास कितना है, 135, और वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। तो ऊपर आ गया 10 और ऊपर आ गया 1/10 और नीचे है 10, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 10-2, ये क्या आ गया, ये मोलैरिटी आ गया। ठीक है, अब इसी को यहाँ हमें पुट करना है, ये एच प्लस आयन का हमारे पास क्या आ गया है, कंसेंट्रेशन आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जब पुट कर देंगे तो क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10^-2, तो इस तरीके से ये आ गया 2, ये अपना आंसर।